मिलिट्री का रास्ता काफ़ी बड़ा है यारो, तो बेहतर यही है कि रुज़ोक की गली में मोड़ा जाए। तो भाई हाजिर है एक वापस से एकदम धमाल मैच लेकर के। आप कह सकते हैं कि मेरे कुछ सबसे अच्छे मैचों में से एक मैं इसको शामिल करता हूँ। तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है, काफ़ी इंटेंस फाइट्स होंगी इसके अंदर, तो बिल्कुल भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए इस मैच को शुरू करते हैं। हाँ वो उस साइड उड़ के सुन। और दो स्क्वाड है बे। तो भाइयों यहाँ पर उतरते ही गने मौत होती है, गने फाइट नहीं, गने मौत। गन हमारे हिस्से आती है और मौत सामने वालों के। देखिए तो भाई यहाँ पर ये एक स्क्वाड उतरी थी जिसको हम बिना गन के ही मार देते हैं। एक बंदा मैं मार देता हूँ जिसके पास में कोई गन वगैरह ऐसी होती नहीं है, और बाकी के जो बचे हुए बंदे रहते हैं वो हमारे स्क्वाड वाले मेंबर मार देते हैं। तो इसके बाद भाई लोग हम यहाँ से जाते हैं हिल के ऊपर, और वहाँ पर हमें एक स्क्वाड मिलेगी। देखिए I need armor. अब जब तक यहाँ पर मैं एक स्क्वाड को वाइप करता हूँ, तब तक भाई पीछे से यहाँ पर स्कूल के बंदे हमारे बंदे को नॉक कर देते हैं। वो रिवाइव तो हो जाता है खैर, लेकिन वो लोग रश कर देते हैं। कि शहर के लोग मुझे देखे तो दीवाने बन जाए, पड़ोसी जल के काले पड़ जाए, और अकेले देखे मेरे दोस्त तो तुमने मार दी गोलियां, मुझसे जो तुम्हारा सामना हो जाए तो तुम्हारे हाथ कांपने लग जाए। तो भाइयों इस स्क्वाड को यहाँ पर मारने के बाद में हमें स्कूल से जो है कि कुछ आवाज़ें आती है गोलियों की, तो हम उन्हें मारने के लिए जाते हैं। और उसके बाद में देखिए क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा सीन है यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा रुक के भाई गाड़ी से आ रहा है। अजीब आ गई। लो तो भाइयों इस सस्ते स्क्वाड को काफ़ी सस्ते तरीके से हमने निपटा दिया। यहाँ पर कोई ज़्यादा मशक्क़त हमें करनी नहीं पड़ी। अब इस स्क्वाड को मार के जब हम यहाँ से आगे जाने लगेंगे बंदों की खोज में, तो हमें पोचिंग की कंपाउंड की तरफ से एक जो है कि गाड़ी आती हुई मिलेगी। और उसके बाद में क्या होता है बिल्कुल देखिए। लूटना है क्या? आओ जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पर स्क्वाड तो जो है कि वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वाइप हो जाती है, लेकिन हमारा एक बंदा जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद में भाइयों हमें काफ़ी ज़्यादा देर तक बंदे ढूंढने पड़ते हैं, हमें बंदे मिलते नहीं हैं। उसके बाद में एक फ्लेयर हमें चली हुई दिखेगी, तो हम पीछा करेंगे, देखते हैं और क्या होता है आगे। देखिए अरे भेड़िया मर जाएगा वो तो। चलो बस यही है, रोक लो आराम से मारोगे। अरे दूर है ना भाई। ना इतना स्प्रेडर हो जाएगा, ओपन ही है ना।
हाँ पर तुम दौड़ते जाओगे पहुंच जाओगे। ईशान पूरा लेफ्ट जा और रीच ले दे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये वाला ड्रॉप देख, ये वाला ड्रॉप पे लगा बंदा है शायद। और रीच पे कैंप ना कर रहे हो रहा। Mark the location. तो दोस्तों यहाँ पर हमें काफ़ी सारी स्कॉट्स के बाद में फाइनली एक अकेला बंदा मिलता है, तो हम इसको भी कम्प्लीटली मार देते हैं। फिर यहाँ से आगे बंदों की खोज में हम निकलेंगे, तो हम बंदों की खोज में यहाँ पर निकल जाएंगे रोजोक के पास वाले यहाँ पर कंपाउंड पर। तो यहाँ पर हमें आगे जाकर मिलेंगे 3 बंदे, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। जोन काफ़ी छोटा हो चुका है, तो हमें जोन को भी देखना और यहाँ की फाइट भी निकालनी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी फाइट है, देखिए। ब्रिज लॉक करेंगे, जल्दी बैठो, ब्रिज लॉक कर देंगे इनका, जाने पाएंगे ब्रिज से। तो यहाँ पर टीममेट चाहता था हमारा कि ब्रिज ब्लॉक कर दे, पर मैंने कहा कि यहाँ पर अभी 40 से 45 सेकंड से हमारे पास में, तो क्यों ना इन बंदों को खत्म करके ही यहाँ से जाएं। तो फिर देखिए आगे क्या होता है। ओपी ओपी, एक बचा है बस, नेट डाल दो। आ जाओ आदित्य, होल्ड कर, ये गया है, होल्ड है, बहुत बढ़िया। ये तो डरेगा ईशान, तो माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर ये 3 नहीं, पूरे के पूरे 4 बंदे होते हैं। फिर बंदे हम ढूंढते हुए आगे निकल जाते हैं जॉर्जोपुल सिटी में। तो अब यहाँ 6 बंदे बचे हुए हैं, 2 हम हैं और सामने वाले 4 हैं। अब ये स्क्वाड में होते हैं या अलग अलग होते हैं, यहाँ पर देखने वाली बात है। तो हमें गाड़ी लगी हुई मिल जाती है इस अपार्टमेंट के अंदर। अब 2 बंदे ऊपर है, देखिए क्या होता है। तो दोस्तों आप सबके मन में यहाँ पर सवाल होगा कि 1.5 महीने बाद ये वीडियो आ रहा है, 1.5 महीने तक कहाँ पर था। तो भाइयों मैं गांव गया हुआ था अपने, और वहाँ पर मेरे पास ना वाईफाई था और ना नेटवर्क था, तो मैं पबजी अपलोड करना तो छोड़ो, वीडियो मैं यहाँ पर खेल भी नहीं सकता था। तो अब मैं वापस से यहाँ पर जो है कि मेरे शहर में आ चुका हूँ। तो भाइयों अब लगातार आपको वीडियो और अच्छा अच्छा कॉन्टेंट देखने के लिए मिलता रहेगा। तो भाइयों यहाँ पर आखिरी बंदा इस मल्टी के अंदर में बचा हुआ है, इस अपार्टमेंट के अंदर। देखना है कि क्या होता है, हम चिकन डिनर कर पाएंगे या नहीं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ऊपर है बंदा, हम भी चलते हैं उसी के पास। तो बूम गाइस यहाँ पर हमने कर लिया है चिकन डिनर 22 किल के साथ में। तो भाइयों अब लगातार वीडियो आते रहेंगे, काफ़ी टाइम तक मैं बाहर था। तो ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना भाइयों। जय हिंद, जय भारत।